स्टार्ट करें। इस बार मैं आधा नक्शा बनाऊंगा, ठीक है? नीचे का कुछ आज पकाना है, दक्षिण पूर्व एशिया का, इसलिए नक्शा मैं यही से चालू करूंगा। ये समझ लेना कि ये इंडिया का नीचे वाला है, वहां तक जाएगा, ठीक है? चोल यहां पे था, जापान ने यहां से चोल चालू किया था, ठीक है? अभी तक अपन ने कितने राजा के बारे में पढ़े थे? राज प्रताप, राज राजेश्वर मंदिर बनाया, राजेश्वर मंदिर के नाम से उसके पहले एक चीज अपना मंदिर बना, ठीक। अब यहां पे बैठता है चोल में कौन? राजेंद्र, राजेंद्र भैया बैठेंगे यहां पे गद्दी पे, सिंहासन पे, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जैसी गद्दी पर बैठे ठीक है, ये क्या है? श्रीलंका। और ये क्या है? ये मलेशिया, जावा, सुमात्रा, मलय, ये द्वीप है, दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप है। लाल चाच मलेशिया, इंडोनेशिया, नक्शा में देखोगे तो उसमें ये सब चीजें हैं, और नहीं भी है तो भूगोल पर पढ़ाऊंगा तो मैं पूरी चीजें नक्शा बना के बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी चीजें कहां बल रखू। जब आप चलोगे इराक के लैंड है ना, ठीक है, वो जब अपन पढ़ाएंगे तो देखेंगे, अभी पहले इसमें देख लेंगे। तो यहाँ पे देखना पहले ध्यान से, यहाँ पे कौन था? महेंद्र पंचम, महेंद्र पंचम का राज उस समय चल रहा था। पंचम मतलब फिफ्थ, महेंद्र पंचम कहां पे राज कर रहा था? श्रीलंका पे, अनुराधापुर पे, और उसके नीचे ये यहां पे जो ये वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं श्री विजय, श्री विजय साम्राज्य, श्री विजय साम्राज्य, और इसके राजा थे कुलोत्तुंग, कुलोत्तुंग कौन थे इसके राजा? मलय द्वीप जो है जावा सुमात्रा मलेशिया के आसपास का जो क्षेत्र था वो एक पूरा क्षेत्र संगठित था, उसके जो राज्य का नाम था वो श्री विजय साम्राज्य पूरा राज्य था, और उस राजा जो वहां पे राज करते थे कुलोत्तुंग, कुलोत्तुंग नाम के राजा, कुलोत्तुंग बर्मन, कुलोत्तुंग बर्मन नाम के राजा शासन करते थे, ठीक है। अब राजेंद्र जब गद्दी पे बैठा तो मैंने इसके पहले आपको बताया था कि जो राजराज प्रथम था वो इतना ज्यादा प्रतापी और शक्तिशाली राजा था कि उसने 12,000 द्वीप जीते थे। 12,000 द्वीपों पर उसने क्या कर लिया था? अपना आधिपत्य जमा लिया था। यहां से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह होते हुए यहां पे क्या है? यहां पे लक्षद्वीप है, उसके नीचे मालदीव है, इन सब पर अपना अधिकार कर लिया था, और उसका अंतिम जो अभियान था मालदीव, मालदीव। इसके बाद जब ये लड़का बैठा उसका तो उससे भी ज्यादा एक हजार प्रतापी। अब इसका जो टारगेट था यहां तक तो उसने कवर अप कर लिया था यहां तक, अब इसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा यहां तक बढ़ जाऊं। इसकी नजर यहां पे थी इस साम्राज्य को जीतने, इसकी नजर दक्षिण पूर्व एशिया के लास्ट में एकदम मलेशिया इंडोनेशिया के आसपास जो क्षेत्र था, श्री विजय साम्राज्य का एक पूरा साम्राज्य था, और वहां पे कुलोत्तुंग बर्मन का एक राजा रहता था। इसने अटैक किया पहले इस पर, यह उस समय थोड़ा सा इसकी स्थिति अच्छी हो गई थी, हालांकि जीत लिया था उसने, फिर भी ये शासन कर रहा था। लेकिन राजेंद्र प्रथम जैसे ही आता है तो इस पे अटैक किया महेंद्र बर्मन पे, और अटैक करके इसको बंदी बना लिया। क्या कर लिया? बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद यहां अपना क्या कर लिया? अपने राज्य का विस्तार किया। जैसे महेंद्र पंचम को हराया, बंदी बनाया, उसका अभियान सीधे नीचे की ओर भगा, दक्षिण पूर्व एशिया के मलेशिया में गया, और मलेशिया में जाते ही आज का मलेशिया वर्तमान में भविष्य में मलय प्रायद्वीप जावा सुमात्रा के आसपास, तो वहां पे इसने कुलोत्तुंग को भी पराजित किया, कुलोत्तुंग को निपटाया, और यहां पे भी अपना साम्राज्य विजय साम्राज्य जो था श्री विजय साम्राज्य वहां पे भी अधिकार जमा लिया। मतलब दक्षिण एशिया के लास्ट में भी इसने अपना परचम अपना झंडा लहरा दिया। इसके बाद क्या इसके बाद हुआ ये कि बंगाल में उस समय महीपाल का शासन चल रहा था, इसके पहले धर्मपाल महीपाल ये सब मैं उस टाइम भी बता रहा था पल्लव टाइम में,
है ना, ये बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी, पल्लव, चोल, चेर, पांड, है ना, तो अलग अलग बताना पड़ रहा है। तो राजेंद्र प्रथम इस अभियान से लौटा और लौटने के बाद इसका ध्यान इधर गया, कहां गया, महीपाल की ओर, महीपाल की ओर ध्यान गया। और महीपाल की ओर ध्यान गया तो इसने यहां पे भी अटैक किया, कहां पे अटैक किया, यहां पे अटैक किया। जब यहां पे अटैक किया तो महीपाल को निपटा दिया, गया और खलास किया और चला। तो मैंने एक चीज बताई थी, ये बंगाल का, बंगाल का था महीपाल, राजेंद्र प्रथम ने महीपाल को निपटाया, पाल वंश का राजा था, और वहां से लौटकर इसने उसकी खुशी में क्या कर लिया, बाजी धारण कर लिया, क्योंकि बाकी के राजा करते हैं। बाकी के राजा आप लोगों को बता चुका हूं, इतने भी राजा थे तो यज्ञ तो में या तो मंदिर बनवाएंगे या कुछ बनवाएंगे या फिर तालाब वालाब बनवाएंगे, झील बनवाएंगे या उपाधि धारण करेंगे। तो ये क्या किया, वहां से लौटा और दो तीन उपाधियां धारण कर ली, कौन कौन सी, गंगे कोण, गंगई कोण पहली उपाधि, गंगई कोण, गंगई कोण नहाने का गंगा, गंगे कोण दूसरी, पंडित चोल, पंडित चोल की भी उपाधि इसने धारण कर ली, और मुंडी गुंडी, मुंडी गुंडी, मुंडी गुंडी समझ लो मुंडा होके टकला होके, है ना, उसने उपाधि धारण कर ली। पंडित तो अंज्ञान, टकला होके पंडित ये चुटाई उटाई रहती है ना, उसको समझ लो टकला होके पंडित, हाँ गंगा नहा लिया। तो मुंडी गुंडी, पंडित चोल और गंगई कोण, गंगा नहाने वाला गंगई कोण, तीन उपाधियां इसने धारण कर ली, किस उपलक्ष्य में, महीपाल को खलास करने के उपलक्ष्य, ठीक है, निपटाया था इसने। और हाँ एक चीज और, अब इसी टाइम पे इसका एक राजा प्रतापी राजा था जिसका नाम था राजा धीराज, राजा धीराज, क्या नाम था, राजा धीराज, राजा धीराज प्रथम करके एक राजा था, कौन था, इसका लड़का था राजेंद्र का। इस राजा धीराज को इसने पांड, यहां पे क्या था, पांड था, पांड का राज्यपाल बना के भेज, गवर्नर बना के भेज, किसको, राजेंद्र अभियान से लौटा और इसका लड़का भी वहीं पे था, नजर थी लड़के पे, लड़के से बोला एक काम करो पांड पे तुम चले जाओ, पांड को इसने जीत दिया था, तो बोला कि पांड चले जाओ वहां गवर्नर बन जाओ, उसके बाद मैं देखता हूं आगे, है ना, पहले इतना काम करो। तो राजेंद्र ने राजा धीराज प्रथम को पांड का गवर्नर बना के भेजा और उसको एक उपाधि दे दी, कौन सी, चोल पांड की उपाधि, चोल पांड, चोल पांड की उपाधि किसको दिलवा दी, राजा धीराज को, बोले तुम चोल पांड हो, क्यों चोल पांड हो, क्योंकि पांड में गया था और चोल राजा था, इसलिए भाई पांड में गया था गवर्नर बन के पांड राज्य में, और चोल तो था ही वो राजेंद्र का लड़का, तो चोल पांड की उपाधि दिलवा दी। अब बोले तुम जाके वहां शासन करो, बाकी मैं देखता हूं, कुछ और काम निपटा लो, फिर तुम्हारा भी टाइम आए। राजेंद्र प्रथम ने ये काम किया, इसको भेजा, थोड़ा टेंशन फ्री हुआ लड़का को भेजने के बाद, उसने काम किया कि यहां पे झील बनवा दी, कहां पे, वही अपने राज्य में झील बनवा दी, चोल गंगनम कर, चोल गंगनम, चोल गंगनम नाम की एक झील, ये वाली ये झील बनवा दी, कहां पे, लड़के को भेजा, इधर तो तीन युद्ध जीत ही चुका था, मंदिर तो अब सोचा कि मंदिर क्या बनवाऊं, बहुत सारे राजाओं ने मंदिर बनवा दिए हैं मेरे वंश के, तो मैं काम करता हूं झीले बनवा दू नहाने धोने के, है ना, और जो राजा आए तो नहाएंगे, हम मछली करी तो नहाएंगे। तो चोर कंगना करके ये झील का निर्माण करवा दिया अपने राज्य में राजेंद्र प्रथम, ठीक है। इसके बाद राजेंद्र प्रथम की मृत्यु हो जाती है, राजेंद्र प्रथम की मृत्यु होती है तो उसके लड़का ये राजा धीराज शासन करेंगे, ये वही चोल अपने राज्य में, जो चोल साम्राज्य था उसी में बनवाई थी, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं बताई थी, चोल साम्राज्य में इसने बनवाई, ठीक है, ये ध्यान रखना कि झील का नाम चोल गंगनम, ठीक। इसके बाद राजेंद्र प्रथम संन्यास लेते हैं, निपटते हैं, मरते हैं, जो भी है, उसके बाद उनके लड़के साहब ये राजा धीराज यहां पे बैठे, राजा धीराज गद्दी पर बैठे, और जैसे ही राजा धीराज गद्दी पे बैठे तो क्या हुआ कि
इसके पहले मैंने आपको बताया कि राजेंद्र प्रथम जो था वो यहां यहां क्या खुदाई करके आया, ये सबको खलास कर दिया था इनकी और इनकी। तो यहां पे उस समय बड़े बड़े संघ तैयार हो गए। कौन से संघ तैयार हो गए थे? एक लंका संघ लंका संघ है ना, लंका संघ, चेर संघ और पांडे संघ। जैसे ही ये इन सब की इनको खलास करके आया राजेंद्र प्रथम, उसी टाइम पे क्या हुआ था कि यहां पे गुटबाजी होने लगी श्रीलंका में। श्रीलंका की जो जनता थी उसने एक संघ बना लिया था अगेंस्ट में राजेंद्र के, राजेंद्र के अगेंस्ट में एक संघ बना दिया था जिसका नाम था लंका संघ। यहां पे मैंने बताया था चेर चल रहा था, चेर चेर ने भी इसके अगेंस्ट में एक संघ बनाया था चेर संघ। और पांडे वाले भी थे, पांडे वाले इससे प्रताड़ित थे, राजाधिराज थे, राजाधिराज बुरा राजा नहीं था पर तो शासन तो था ही उनका चोर का। तो ये तीन ऐसे संघ बन गए, लंका संघ, चेर और पांडे संघ बन गए। जैसे ही यहां पहुंचे तब की कंडीशन है, ये संघ बने और ये जैसे ही यहां पे गद्दी पे बैठा तो ये एक्टिव हो गए। अभी तक सुसुप्ता अवस्था में चल रहे थे, क्यों? क्योंकि राजाधिराज ठोक देता है। जैसे ही अगर राजा धीराज यहां पर शासन था और ये संघ अगर जैसे ही ऊपर उठते तो राजा धीराज उनको निपटा देता, लेकिन राजा धीराज की अनुपस्थिति में राजा धीराज यहां से यहां पहुंचे और ये एक्टिव हो गए सभी संघ। इन्होंने क्या बोला कि आप अपन काम करते हैं, इनके अटैक कर देते राजा धीराज, क्योंकि राजा प्रथम खत्म हो गया था और ज्यादा प्रताप था। इन तीनों ने मिलकर अटैक किया, पर ये भी कम नहीं था। क्यों कम नहीं था? क्योंकि उसी का लड़का था जिसने यहां तक जीत लिया, ये उसी का लड़का था तो असर तो रहेगा ही बाप का। बाप जब इतना प्रतापी था तो डेफिनेटली लड़का प्रतापी होगा, क्योंकि इसका साम्राज्य पूरा यहां से यहां फैला हुआ था, तो ये भी डरने वाला नहीं था। और इसने तीनों संघ को खत्म किया, तीनों संघ को निपटाया, इनको लंका, चेर, पांड जितने भी संघ थे उनको खत्म किया और यहां पुनर्स्थापना की राज्य, ठीक है, राज की क्या की पुनर्स्थापना कर दी। इसके बाद क्या हुआ कि जब पुनर्स्थापना तो इसने कर दी, इसके बाद क्या हुआ कि यहां पे पूर्वी चालुक्यों का शासन चला, पूर्वी चालुक्यों का शासन उसी टाइम पे चल रहा था और उसी टाइम की ये भी कंडीशन, तो पूर्वी चालुक्यों का यहां पे शासन चल रहा था कल्याणी के पास। तो कल्याणी पे आया और इसने अपना राज्याभिषेक कराया, कल्याणी पे आता है अपना राज्याभिषेक कराता है, फिर से राजनीति में बैठता है और राजकाज करने रहता है, ठीक है। और जब इसने राज्याभिषेक कराया उस उपलक्ष्य में इसने एक अश्वमेध यज्ञ भी कराया, क्या कराया था? एक अश्वमेध यज्ञ भी कराया, इसके उपलक्ष्य में राज्याभिषेक कराने के उपलक्ष्य में इसने एक अश्वमेध यज्ञ कराया अपने शासन काल में। राजाधिराज की कहानी इतनी थी, इसने बस संघ को खत्म किया, अश्वमेध यज्ञ कराया। इसके बाद इसका एक भाई था राज्याभिषेक कराने के, यहाँ पे पूर्वी चालुक्य के पास, पूर्वी चालुक्यों की राजधानी कल्याणी थी कर्नाटक में, वहां पे, ठीक है। मैं ये चालुक्य वंश में बताया था कल्याणी। अब इसके बाद बैठते हैं कौन? राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र द्वितीय बैठते हैं गद्दी पर। ये कौन थे? ये राजाधिराज के अनुज थे, क्या थे? मतलब भाई थे, छोटे भाई, ठीक है। राजेंद्र द्वितीय बैठते हैं गद्दी पर और ये क्या करते हैं, यही ओन्नम, ओन्नम एक जगह है, ओन्नम के युद्ध में इसको राजाधिराज को निपटा देते। ओन्नम है एक जगह यहां पे केरल और उसके बॉर्डर में, ओन्नम के युद्ध में राजाधिराज को निपटाए और अपना अभिषेक वहीं पे करा देते जहां पर उसने कराया कल्याण। किसने? राजेंद्र द्वितीय, ये राजाधिराज के भाई थे। राजाधिराज को ओन्नम के युद्ध में ललकारा और यहां जब वो आए उनको मारा पीटा, निपटा दिया, निपटा दिया, हत्या की और हत्या करने के बाद अपना राज्याभिषेक कराया और यहां। और जैसे ही राज्याभिषेक कराए और आए तो इसी उपलक्ष्य में फिर से वो कुछ ना कुछ तो काम करेगा, या तो उपाधि धारण करेगा या मंदिर बनवाएगा, झील बनवाएगा, कुछ नहीं कुछ ना कुछ तो करेगा, शांत बैठेगा नहीं। तो इसने क्या किया यहां पर कोल्हापुर, कहां पे कोल्हापुर सुने होंगे, महाराष्ट्र में कोल्हापुर में इसने जय स्तंभ बनवा दिया, जय
स्तंभ का निर्माण कराया अपने विजय के उपलक्ष्य में, इसकी हत्या की और इसके उपलक्ष्य में क्या करा दिया, कोल्हापुर में जय स्तंभ की स्थापना महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसने वीर राजेंद्र की उपाधि धारण, वीर राजेंद्र की उपाधि धारण की, इसकी वीर राजेंद्र की कोल्हापुर में एक जय स्तंभ बनवाया जिसमें अपनी तारीखें है ना, विजय उपलक्ष्य था। और इसके पहले जो था राजा धीराज, उसने कौन सी उपाधि धारण की, उसने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण लिख लेना, जो राजा धीराज प्रथम, हाँ राजा धीराज प्रथम था, उसने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी, विजय और इसने धारण की है वीर राजेंद्र, इसने वीर राजेंद्र, इसने राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, राजेंद्र द्वितीय ने वीर राजेंद्र की उपाधि धारण की, उसको मारा राजेंद्र राज को मारा, यहाँ पे जय स्तंभ बनवाया और वीर राज उपाधि धारण की, इसकी वीर राजेंद्र, ठीक है। इसके बाद गद्दी पर बैठते हैं इसके ही भाई, इसको भी निपटाते हैं, इसका भी भाई एक रहता है, कौन है, हाँ इसका अच्छा चेहरा है जो भी रहा होगा, अब बैठेंगे वीर राजेंद्र बैठे, और बैठेंगे वीर राजेंद्र, वो उपाधि उसने धारण की थी, पर ये राजा है, ये राजा है, ठीक है, ये उपाधि है, ध्यान रखना, वीर राजेंद्र राजा बनते हैं। वीर राजेंद्र, ठीक है, वीर राजेंद्र जब राजा बनते हैं, वीर राजेंद्र, तो ये क्या करते हैं कि उसी टाइम पे क्या होता है, वीर राजेंद्र के बैठने पर, मैंने आप लोगों को चालुक्य वंश में बताया था सोमेश्वर द्वितीय था, बताया था वो पीपा के अपनी राजधानी यहां कर लिया था, कल्याणी कर लिया था, पहले मानिकेट थी है ना, नाम था सोमेश्वर, सोम की ईश्वर है ना, तो वही सोमेश्वर द्वितीय के टाइम पे था वीर राजेंद्र के टाइम, तो वही सोमेश्वर द्वितीय हो सकता है नशे में जो भी जैसा रहा हो, तुंगभद्रा नदी के किनारे जाके आत्महत्या कर लेता, कोई भी चालुक्य का राजा तुंगभद्रा नदी के जाके डूब जाता है, मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है, तबियत खराब होने के कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तबियत खराब होने के कारण तुंगभद्रा नदी के किनारे हत्या कर लेता है, हत्या जब कर लेता है अपनी, खुद ही मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, उसके बाद ये वीर राजेंद्र जो रहता है काफी अच्छा राजा रहता है, तो वीर राजेंद्र ने उसके उपलक्ष्य में, इसके उपलक्ष्य में, उसी के उपलक्ष्य में, यही उसके बदले के उपलक्ष्य में या उसके सम्मान के उपलक्ष्य में, मर गया था तो उसके सम्मान के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाता है तुंगभद्रा नदी किनारे, इसमें इसका एक सम्मान के रूप में, किसके सम्मान के रूप, सोमेश्वर द्वितीय के सम्मान के रूप में तुंगभद्रा नदी किनारे विजय स्तंभ का निर्माण कराता है। और ये जो उपाधि धारण करता है राजकेसरी, कौन सी उपाधि धारण करता है, सोमेश्वर चालुक्य के लिए, सोमेश्वर चालुक्य के थे, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, ठीक है, विजय स्तंभ निर्माण कराया था तुंगभद्रा नदी के किनारे। और वीर राजेंद्र ने कौन सी उपाधि धारण की, राजकेसरी की उपाधि धारण, राजकेसरी, ठीक है। वीर राजेंद्र ने किसकी उपाधि धारण की, राजकेसरी। वीर राजेंद्र के बाद अंतिम राजा आए, मतलब इसके बाद क्या हुआ, अधिराजा, कौन है, अधिराज। तो अधिराज जब आए यहां पे, तो यहां पर गुटबाजी चलने लगी थी, राज्य के में जितने भी लोग थे वो सब अपने आप में गुटबाजी गुटबंदी करने लगे, विद्रोह हो गया, उसको मार दिया। और यहां से चालुक्य वंश जो विद्यालय ने स्थापित किया था, विद्यालय
संस्थापक था उसका चालुक्य यहाँ पर समाप्त। अब यहां से स्टार्ट होगा चोल और चालुक्य मिलकर अब शासन करेंगे। चोल और चालुक्य वर्ग तो अपन चालू करते हैं चोल और चालुक्य आदिराज ठीक है लास्ट में है। ठीक है अब अपन चालू करते हैं अब यहां से चालू होगा चोल प्लस चालुक्य चोल और चालुक्य मिल जाते हैं और ये शासन चालू करते हैं। ये जो टाइम है 1070 से लेकर 1120 ईस्वी का टाइम ठीक है 1070 से 1120 और इसके पहले राजा बनते हैं कौन जल्दी जल्दी करो इसको मिटा दू यहां पे। इसके पहले राजा बनते हैं कुलोत्तुंग प्रथम जैसी गद्दी पर बैठे यहां पे चोल चालुक्य वंश के पहले राजा कुलोत्तुंग प्रथम। ये कुलोत्तुंग प्रथम था कौन ये वही राजेंद्र द्वितीय था जो मैंने अभी बता दिया वही राजेंद्र द्वितीय के समकालीन था ये समकालीन था वही राजेंद्र द्वितीय के समकालीन था। और राजेंद्र द्वितीय जो मैंने इससे पहले पढ़ाया राजेंद्र द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी राजेंद्र द्वितीय ने एक और उपाधि धारण की थी प्रकेसरी की उपाधि धारण की थी राजेंद्र प्रकेसरी ठीक है प्रकेसरी ठीक है बहुत सारी उपाधियां हैं रट रट के है ना। तो कुलोत्तुंग जैसे ही शासन पे बैठे सत्ता संभाले तो इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने यहां पे मध्य प्रदेश में कलचुरी जगह है कलचुरी सुने हो क्या जबलपुर के आसपास का क्षेत्र कलचुरियों का क्षेत्र था जब मध्य प्रदेश पढ़ोगे तो वहां समझ में आएगा जबलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है कलचुरियों का क्षेत्र है और यहां पे कलिंग है उड़ीसा में। तो कलिंग में उस समय अनंत बर्मन का शासन चल रहा था और यहां पे चल रहा था कर्णदेव का इसका चल रहा था कर्णदेव का और यहां पे अनंत बर्मन का कुलोत्तुंग प्रथम के टाइम पे कर्णदेव कलचुरी का शासक था कलिंग का शासक था अनंत बर्मन। तो कुलोत्तुंग ने क्या किया कि अभी तक तो राजा यहां पे देख रहा आप लोगों ने चोल नीचे तक जा रहे थे हालांकि राजेंद्र प्रथम ऊपर तक गया था। राजेंद्र प्रथम ऐसा दक्षिण भारत का प्रथम राजा था जो उत्तर की ओर अभियान उसने किया था यार उत्तर की ओर अभियान पहला राजा था चोल का राजेंद्र प्रथम। और अगर आए कि उत्तर से दक्षिण की ओर पहली बार किसने आया तो अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा राजा था जो उत्तर से दक्षिण की ओर आया था। बाद में फिर अकबर भी आया मोहम्मद बिन तुगलक भी आया जो मध्यकालीन भारत में पढ़ा हुआ है लेकिन दक्षिण से उत्तर की ओर पहली बार गया तो ये राजेंद्र ठीक है। इसके बाद फिर वो भी जाता है जब चालुक्य वंश पढ़ा रहा था तो जाता है ऊपर तक हिमालय तक पहुंच जाता है पल्लव वंश पे तो पढ़ाया था लेकिन ये वो इसके बाद की घटना पहले ये गया इसके बाद वो फिर वो त्रिगुट संघर्ष में हराता है उनको याद आया विक्रमादित्य का त्रिगुट संघर्ष चलता था ठीक है बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी वहां पल्लव चल रहा था चालुक्य भी चेर भी चोल भी पांड भी है ना ये देखी चीजें एक ही टाइम पे सब चल रहे दिक्कत है ठीक है। तो कुलोत्तुंग जो है कुलोत्तुंग प्रथम यहां गया और इनको निपटाया इनको कर्णदेव को हराया और इनको हराया कलिंग नरेश अनंत बर्मन को हराया किसने कर्णदेव को हराया और कलिंग के राजा अनंत बर्मन को हराया। और मैंने बताया कि जैसे ही कोई ना कोई किसी को हराएंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो धारण करेंगे और वही हुआ फिर से जैसे ही वहां से लौटा तो इसने दो उपाधियां इसने और धारण कर ली जिनका नाम था कटाई कंड और एक और बता रहा हूं दूसरी उपाधि पहला तो कटाई कंड की धारण कर ली
उसके बाद क्या हुआ कि जैसे यहां से लौटा तो वो इतना खुश हुआ कि यहां पे बहुत सारे चुंगी कर चल रहे थे, चुंगी कर राजस्व कर, उनको सबको खत्म कर दिया। फिनिश। इतना खुश हुआ कर चुंगी और इनको हराने का अंत वर्णन कि आया और इन सबके जो जितने भी कर थे अपने राज्य में, चुंगी कर तो जाते होंगे ना, फॉरेस्ट फॉरेस्ट वाले जो लगाते हैं बीच बीच में नाका होगा, ये चुंगी कर है। तो इन सबको खत्म किया, भू राजस्व का सर्वेक्षण कराया, जमीनों का पूरे टैक्स ने खत्म कर दिए खुशी में, और उस खुशी के कारण इसने नई उपाधि धारण कर ली, सुगंध तीर्थ। सुगंध तीर्थ का मतलब होता है करों को हटाने वाला, देख लेना इधर, सुगंध तीर्थ का मतलब क्या होता है? नाम बड़ा अजीब है, दक्षिण भारत में आपको ऐसे ही नाम मिले है ना, दक्षिण भारत सावरत में ऐसे ही नाम मिलेंगे, सुगंध तीर्थ। ये इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है करों को हटाने वाला, करों को हटाने वाला, ठीक है, करों को हटाने वाला, समझ में आया है, करों को हटाने वाला किसको कहते हैं? कटेकंड और सुगंध तीर्थ। ये दो उपाधियां किसने धारण की? पुलोत्तम प्रथम ने ये उपाधियां धारण की। इसके बाद इतना ज्यादा खुश हुआ करों को हटाने के बाद ये खुश हो गया इसके बाद तो ये खुश हो गया, तो इसने क्या किया कि 92 कुछ जगह 72 भी मिलता है, 72 लोगों का एक समूह ये चाइना मिला यहां ऐसे चाइना 72 या 92 किताबों में कुछ जगह 72 मिलता है, कुछ जगह 92 मिलता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग लेख है, तो 72 या 92 लिखेगा, 72 या 92 लोगों का एक समूह मंडल ये कहां भेजा? अपने राज्य के लोगों का समूह मंडल चाइना भेजा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद क्या हुआ कि इनका शासन समाप्त हुआ, इसके बाद आए विक्रम चोर की भी कहानी थोड़ा सा दिखता है, विक्रम चोर आए, कौन है? विक्रम चोर ने गति संभाली, मोर्चा संभाला, अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो विक्रम चोर जैसी गति पर बैठे तो इन्होंने बैठते ही सबसे पहला जो काम किया वो यहां पर मैंने आपको बताया था चिदंबरम मंदिर, बता दी चिदंबरम मंदिर एक बनवाई थी राजे रजिस्टर के पहले बनवाई थी चोर वंश के राजा ने, तो चिदंबरम मंदिर किससे संबंधित है? नटराज शिव से, तो उसी नटराज शिव के मंदिर के अंदर भी एक मंदिर थी गोविंद राज, भगवान विष्णु से संबंधित वैष्णव धर्म से संबंधित एक और मंदिर थी गोविंद राज मंदिर। इसने क्या किया, हरामी टाइप का था थोड़ा सा है ना, इसने क्या किया इस गोविंद राज के मंदिर को उठवा कर समुद्र में यहां फेंकवा दिया, क्या करवा दिया, वैष्णव की जो मूर्ति थी इसको फेंकवा दिया यहां, और इसने फेंकवा दिया किसने, इसने कौन सी मंदिर, चिदंबरम मंदिर के बारे में मैंने बताया था, गोविंद राज का, हाँ गोविंद राज के अंदर था, मेन मंदिर था नटराज सैव का और उसके अंदर, और जैसे इसने भगवान विष्णु की मंदिर को वहां पे वो किया फेंकवाया, उसके बाद किसने नई उपाधि धारण की, वो तो मैंने बताया कि नई उपाधि धारण करते हैं त्याग समुद्र की उपाधि धारण कर, किसने, इसी ने, कारण ये था त्याग समुद्र का मतलब किसने समुद्र में भगवान विष्णु की गोविंद राज की मूर्ति को फेंकवाया और एक नई उपाधि धारण कर ली त्याग समुद्र की, ठीक है। तो पूछा जाए क्वेश्चन की त्याग समुद्र की उपाधि किसने धारण की, तो विक्रम चोर ने धारण, ठीक है। इसके बाद विक्रम चोर का भी शासन कंप्लीट हो जाता है, फिर इसके बाद आते हैं पुलोत्तम द्वितीय, पुलोत्तम द्वितीय कुछ किताबों में ऐसा भी मिलता है, कुछ किताबों में, बहुत सारी किताबें जब आप पढ़ोगे कुछ किताबों में पुलोत्तम द्वितीय में भी बताया गया कि ये वैष्णव मूर्ति कुलोत्तम द्वितीय में फेंकवाई, और
कुछ किताबों में इसके बारे में बताया। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर ऑप्शन विक्रम चोल है तो विक्रम चोल मानना, और दोनों ऑप्शन तो एक साथ आएंगे क्योंकि किताबों में भी मतभेद है इतिहास। तो जो पेपर बनाने वाला होता है वो इस चीज जानता है, इसलिए या तो वो ये ऑप्शन देगा या ये देगा, और अगर दोनों देगा तो क्वेश्चन कटेगा, ध्यान तो क्वेश्चन ही कटेगा, बोनस नंबर मिलेगा आपको। तो अगर विक्रम चोल होगा तो उसमें टिक का देना, नहीं तो कुलोत्तुंग का देना, ठीक है। कुलोत्तुंग द्वितीय, कुलोत्तुंग द्वितीय के बाद एक राजा आता है राजराज द्वितीय, राजराज द्वितीय कौन आता है, राजराज द्वितीय। जैसे ही राजराज द्वितीय आया तो यहां पर मेरा पांडव वंश चल रहा था, पांडव वंश। तो पांडव वंश में दो राजा थे, कौन थे, कुलशेखर, कुलशेखर एक था है ना, और एक और राजा था कुलशेखर था और विजय करके थे, ये दो राजा थे। तो दो राजा जब थे तो इसने क्या किया, राजा द्वितीय इसने इसका समर्थन किया, इसका एक मिनट, यह श्रीलंका में उस समय बाहुवर्मन करके राजा था, बाहुवर्मन उसी समय पे श्रीलंका में बाहुवर्मन करके राजा था, तो बाहुवर्मन ने इसका समर्थन किया और राजराज ने इसका समर्थन किया, दूसरे वाले ने किसका, राजराज ने इसका समर्थन किया। पांड के दो राजा में संघर्ष चल रहा था कौन राजा बनेगा, या तो कुलशेखर बनेगा या विजय बनेगा, तो राजराज ने इसका समर्थन किया और कुलोत्तुंग ने इसका समर्थन किया बाहुवर्मन को। अंत तक बात ये पहुंची कि ये राजा बनेगा, कौन ये, और इसको यहां पांड का राजा बना देते, ठीक है, अंत तक इसको पांड का राजा बना देते। इसके बाद कहानी श्रीलंका के राजा क्या नाम था, बाहुवर्मन, और दो राजा जो थे उनका क्या, कुलशेखर और विजय, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जानते क्या होता है, राजराज के टाइम से ही सामंतों का उदय चालू हो गया, चोल वंश किसका उदय हो गया था, सामंतों का। मैंने आपको इसके पहले ही बताया था जब चालुक्य वंश पढ़ा रहा था, चालुक्य वंश में भी सामंतों का उदय होने लगा था, और सामंतों ने ही उसकी हत्या करके और राजपूतों की स्थापना कर ली, ठीक है, देखिए सामंतों। इसके बाद चोल भी जो थे वो भी सामंत थे ही पल्लव थे, क्या थे, सामंत थे, उन्होंने पल्लवों को हरा के और चोल वंश की स्थापना कर ली। अब यहां भी ऐसा ही होगा, यहां भी ऐसा ही होगा, यहां क्या होगा कि राजराज के टाइम से सामंत ऐसे ही अलग अलग सामंत यहां से थोड़ा उत्पन्न होने लगे। आगे चल के कुलोत्तुंग तृतीय आता है, नहीं राजाधिराज द्वितीय आएगा, राजाधिराज हाँ राजाधिराज द्वितीय जब आता है तो ये सामंत और ज्यादा ऊपर है, क्या जाते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर आए लेवल, अभी तक थोड़ा दबे हुए थे आप और ऊपर आ जाएंगे, और जैसे ही ऊपर आएंगे तो ये राजाधिराज यही इसमें विजय वाले पे अटैक कर देगा, किस पे अटैक करेगा, क्यों करेगा पता नहीं, लेकिन इसका अटैक इस पर खतरनाक था, कारण यह था कि इसका पूर्वज जो था राजराज किसी ने इसको राजा बन पाया था, और ये उसका उत्तराधिकारी आता है तो किसी को मार देता, तो ये क्या होती है पांड, इनका दिमाग सटक जाता है, इसके खिलाफ इनका दिमाग सटकता है और ये इस पे अटैक कर देते हैं राजा दिराज से, कौन ये पांड वाले, पांड के जो थे ये राजा को इसने मार दिया, उनके जो उत्तराधिकारी थे यहाँ पे ऊपर आते हैं और यहाँ पे अटैक कर देते हैं, यहाँ पे अटैक करते हैं जब यहाँ पे ये हार जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है कुलोत्तुंग तृतीय, ये नाम मात्र का ही राजा रहता है, कुलोत्तुंग तृतीय, कुलोत्तुंग तृतीय आता है, उस टाइम पे सामंत बहुत ज्यादा हावी हो गए, बहुत ज्यादा ऊपर आ गए लेवल के ऊपर, मतलब ये हस्तक्षेप करने लगे थे कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल, कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में ये बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने लगे थे। इसके बाद दो राजा और आते हैं जिनका कुछ रोल नहीं है, पर राजा का नाम बताना जरूरी है यहाँ पे, राजराज
टी आता है और अंतिम राजा इस वंश का आता है राजेंद्र राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय जो है राजेंद्र थर्ड इस वंश का अंतिम राजा होता है, उसके बाद राजा तृतीय आता है। इस तरह से इस वंश का समापन हो जाता है। इसके बाद राजा थर्ड आया, फिर उसके बाद राजा थर्ड आया, फिर राजा थर्ड। इसके बाद समापन होता है। कल हम अगला पढ़ेंगे।